दुमका में जारी लकड़ी, पत्थर और कोयला का अवैध कारोबार को लेकर भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को काठीकुंड प्रखंड स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को उनके स्नेह, प्यार और स्वागत के लिए धन्यवाद करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला। कहा कि उन्हें गरीब और आदिवासियों के दुख दर्द का पता नहीं है। हेमंत सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। कहा कि महिलाओं को चौका चूल्हा के नाम पर 2000 रुपए देने का वादा किया था, परंतु उन्हें भी इससे वंचित रखा गया। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, अब तक नहीं दिया। कहा कि नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरियां देने के वादा किया, नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार भत्ते के रूप में 5000 से 7000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक नहीं किया। अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों के समाधि पर पर्यटन स्थल पर उसके तौर पर विकसित नहीं किया गया। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रहार करते हुए उनके सिद्धो कानू के वंशज की हत्या की सीबीआई जांच तक नहीं करा सके। हेमंत सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कम, बिचौलियों और दलाल हावी हैं, जिस कारण विकास नहीं हुआ। अब झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि गांव का सर्वप्रथम अधिकार है कि गांव की सरकार का बनना, मुखिया और पंचायत चुनाव का होना, परंतु 1.5 साल से हेमंत सोरेन की भ्रष्ट सरकार द्वारा इसे टाला जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांव के विकास के लिए भेजे जाने वाले पैसे का अफसरशाही द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। काठीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। जो ठग महागठबंधन की सरकार झूठे वादे और नारे के साथ अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर, जो जनता को बरगलाकर जो वोट लिए, लेकिन इस सरकार को 2 वर्ष होने जा रहे हैं, जो जो वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए, तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि हम गांव-गांव जाकर ये अबुआ राज्य का बबुआ मुख्यमंत्री, जिस तरह यहाँ के पहाड़, पत्थर, बालू, जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको जनता से अवगत कराना। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब बहन को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। यह सबको ये बात जनता को बताना कि 2000 रुपया हेमंत सोरेन सरकार खा गया। उसी तरह हमारी सरकार थी तो हम दिव्यांग, विधवा बहन, बड़े बुजुर्ग को 1000 रुपया पेंशन देते थे। इन्होंने वादा किया था कि हम 2500 रुपया पेंशन देंगे, मिल रहा नहीं मिल रहा। ये बात भी बताना कि 1500 रुपया गरीब लोग का, विधवा दान का पैसा खा गया। उसी तरह उन्होंने कहा था 3 लाख रुपया हम प्रधानमंत्री आवास योजना से देंगे, मिल रहा नहीं मिल रहा। ये पैसा भी खा गया। उसी तरह इसने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, वादा किया था ना। और जिनको नौकरी नहीं मिलेगा उनको, जो ग्रेजुएट है उनको 5000, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7000 रुपया देंगे। नौकरी मिला नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। तो ऐसे झूठ और लूट की सरकार, जो 2 वर्ष से ये अबुआ राज जो लूट रहा, ये जनता को हमें बताने की जरूरत है। मोदी सरकार आप देख रहे हैं, इस कोरोना काल में भी खर्चा खा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खा गया, बेरोजगारी भत्ता का पैसा खा गया। ये जो खाली लूट रहा, देख रहे हैं ना, इस लूट से कितना पत्थर जाता है, कितना अवैध बालू। लेकिन वही कोई गरीब अपने घर के लिए बालू लेके जा रहा तो ट्रैक्टर पकड़ रहा ना, प्रधानमंत्री आवास के लिए घर बनने जा रहा बालू पकड़ रहा। लेकिन अवैध बालू, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका नाम क्या है, झारखंड मुद्रा मोचन, 2 साल में झारखंड मुद्रा मोचन, अब कोई गाड़ी जाएगा तो 550 रुपया परमिशन चार्ज फिक्स है, फिर कोई प्रशासन रुकता है, 5500 रुपया लेता है। और जितना अवैध व्यापार करना है, उसी तरह गाय का तस्करी, गाय को हम माता बोलते हैं,
इस दो वर्ष में कितना गाय का तस्करी सिर्फ पाकुड़ से यहाँ से नहीं जा रहा, हर झारखंड के कोने, चाहे धनबाद का निरसा हो, गुमला हो, जमशेदपुर का बारागोड़ा हो, बड़े पैमाने पर गांव का तस्करी हो रहा। ऐसे समय में इस राज्य का जन्मदाता कौन है? वाजपेयी जी, बीजेपी। इस राज्य को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी का निर्वाह हर एक कार्यकर्ता करे। आप सबको फिर से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवरदास जिंदाबाद, रघुवरदास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुवरदास जिंदाबाद। करने की जरूरत है। मोदी सरकार आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में भी देश के 80 करोड़ लोगों को, जिसमें झारखंड के भी 27 लाख लोगों को 25 किलो चावल मिल रहा है। एक काम भी इन्होंने गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए ये दो वर्ष के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जो ये जनता को बता सकता। आज सरकार आपके द्वार, अधिकार आपके द्वार कर खाली झूठा जो प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड की जनता को दी है, उसी बात को गलत आंकड़ा पेश कर जनता को के आंखों में धूल झोंका। आज डेढ़ वर्ष से जो गांव का सरकार है, तो गांव का सरकार स्वशासन, डेढ़ साल से मुखिया का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, तो गांव का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो है गांव की सरकार। ये गांव की सरकार भी नहीं बनाकर जो मोदी जी गांव के विकास के लिए पैसे भेज रहे हैं, उसका भी अफसरशाही के थ्रू भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। आप बिना पैसे का ब्लॉक ऑफिस में, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बिना पैसे का काम हो रहा तो भ्रष्टाचार इस राज्य में काफी बढ़ी है, बेरोजगार की काफी बढ़ी है। जो हमारी सरकार महिलाओं के नाम पर 1 रुपए का 50 लाख की संपत्ति पे रजिस्ट्री हो रही थी और रजिस्ट्री बंद कर दी ना, उसी तरह झारखंड के 22 लाख किसान को प्रति एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी ना, उसको भी ये सरकार बंद कर दी। तो ये जो सरकार की विफलता है और सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पूरे नहीं किए। ये बात गांव गांव में जनजाति समाज के बीच, अन्य समाज के बीच जाकर बताने की जरूरत है ना। तो हफ्ता में एक दिन एक गांव को चुनो और गांव गांव के लोगों को ये बात बताने की जरूरत है, चौक चौराहे खेत खलिहान में लोगों को बताने का। वृद्धा पेंशन का पैसा खा गया, चूल्हा खर्चा का पैसा खा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खा गया, बेरोजगारी भत्ता का पैसा खा गया, ये जो खाली लूट रहा देख रहे हैं ना, इस लूट से कितना पत्थर जाता है, कितना अवैध बालू। लेकिन वही कोई गरीब अपने घर के लिए बालू लेके जा रहा तो ट्रैक्टर पकड़ रहा ना, प्रधानमंत्री आवास के लिए घर बनने जा रहा बालू पकड़ रहा, लेकिन अवैध बालू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका नाम क्या है, झारखंड मुद्रा मोचन, ये 2 साल में दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।